हमारा नियम क्या है? प्यार देना, सम्मान देना, दुआ देना। किसको देना? सबको देना। कब कब देना? हमेशा देना, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो हमें क्या दे रहे हैं। तो हमने काउंट नहीं करना है कि मैंने तो 3 बार प्यार से बात की, उसने फिर भी नहीं की, तो अभी और कितनी बार मैं करूं। हमने तो डिसाइड किया था हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम 6 दिन से उनके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल मतलब जो गिनता नहीं है कि मैंने क्या किया। नेचुरल मतलब दैट इज द वे आई एम, उसके अलावा मुझे कुछ और होना आता ही नहीं है। तो हम कौन सी वाली आत्मा है? देने वाली आत्मा है। क्या हम रोज सुबह एक बार ये कह सकते हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए? कह सकते हैं? अच्छे से देख लिया अपने सारे लोग आसपास, देख लिया अच्छे से अपने आसपास सब लोगों को? क्योंकि जिनसे हम मांग रहे हैं उनके पास देने की ताकत नहीं है। आजकल हम कहते हैं बच्चे कैसे हो गए हैं, इतनी जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर देते हैं। हम तो ऐसे नहीं थे जब हम बच्चे थे। हमें बच्चे कैसे चाहिए? स्टेबल, रिस्पेक्टफुल, प्यार से बात करें, धैर्यता से, आराम से बात करें। तो चाहना तो बहुत अच्छी है, लेकिन सामने वाले के पास वैसा होने की ताकत तो होनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि आपको ऐसा होना चाहिए, गिव देम द पावर टू बी दैट। हमें चाहिए नहीं, हमें उनको देना है, देना है, देना है, और देकर उनको शक्तिशाली बनाना है ताकि वो वैसे बन जाएं। किसी ने अगर हमारे साथ गलत किया, बहुत 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 गलत किया, क्या हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं? किसी ने हमारे साथ गलत किया, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? सोच लो, फिर उनको सामने ले आओ अपने, फिर चेक कर लो उन्होंने क्या किया है, और फिर अटेंशन अपने ऊपर लेकर आओ। इन्होंने मेरे साथ ये 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 किया। एक हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने गलत किया हो, क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? क्या हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? सतयुग लाना है ना, सतयुग लाना है ना। तो सतयुगी आत्मा कैसी वाली है? क्या हुआ, एक ने गलत किया, दूसरे ने भी इन रिटर्न गलत ही सोचा, भले गलत किया नहीं उनके साथ, लेकिन बुरा लगा, दुखी हुए, नफरत हुई, नाराज हुए, गलती तो किया, वाइब्रेशन तो लो एनर्जी की रेडिएट की ना। तो फिर एक ने गलत किया, दूसरा भी दुखी हुआ, वो भी गलत हुआ, वो दुखी था, उसने घर जाकर गलत तरह से व्यवहार किया, घर के लोग भी फिर दुखी हुए, तो गलत 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 वेंट ऑन मल्टीप्लाइंग एंड कलयुग बन गया। एक ने गलत किया, दूसरे ने दुआ दी उसके लिए, तो जो गलत किया वो वाइब्रेशन कैसी थी? लो वाइब्रेशन। जिसने ब्लेसिंग दी उसकी वाइब्रेशन कैसी हो गई? हाई वाइब्रेशन। किस किस के पास कोई एक नाम है जिसने आपके साथ कुछ गलत किया? और गलत मतलब छोटा सा गलत व्यवहार भी गलत ही होता है। है कोई नाम आपके पास? अच्छा, आपके साथ कोई कुछ गलत करता ही नहीं? या फिर 4-5-6 नाम है अभी हम चूज कर रहे हैं, उसमें से कौन से नाम को सिलेक्ट कर रहे हैं? जस्ट थिंक ऑफ वन नेम, एक नाम अपने सामने लेकर आना। हम उसको अभी ठीक करेंगे, उस रिश्ते को। एक नाम सामने लेकर आओ। किस किस को नाम याद आया? हाथ उठा दो। आ गया नाम याद, डन। अब चेक करते हैं डायनामिक्स कैसे फ्लो करता है एनर्जी का। इन्होंने कुछ किया हमारे साथ जो हमें लगा कि गलत है, एनर्जी कैसी है? लो वाइब्रेशन। कोई हमारे को चीट कर सकता है, कोई हमारे को धोखा दे सकता है, कोई हमारे साथ झूठ बोल सकता है, कोई हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है, कोई हमें मैनिपुलेट कर सकता है, कोई हमारे से ईर्ष्यावश हमारे अगेंस्ट कुछ गलत कर सकता है, ये सब कुछ कर सकते हैं। ये लो वाइब्रेशन एनर्जी है। उन्होंने जो किया,
क्या उसका असर मेरे मन की स्थिति पर पड़ता है? उन्होंने जो किया क्या उसका असर मेरे मन की स्थिति पर पड़ता है? यस. तो वो लो वाइब्रेशन एनर्जी पर थे और क्योंकि उनके व्यवहार से मैंने भी डिस्टर्ब एनर्जी क्रिएट की, तो मेरे मन की स्थिति कहाँ पहुँच जाएगी? लो. अब हमें ध्यान सिर्फ क्या रखना है कि वो लो वाइब्रेशन स्थिति पर हैं, मुझे अपनी स्थिति को कहाँ रखना है? इट्स लाइक 10 फ्लोर्स हैं, कोई ग्राउंड फ्लोर पे है, हम 10th फ्लोर पे हैं. हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है हम अपने आप को कौन से फ्लोर पे रखें, विच मीन्स उनके व्यवहार का असर हम पर नहीं, हमारे व्यवहार का असर उन पर पड़ना शुरू हो जाए. सारा दिन में जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, उसमें इसकी प्रैक्टिस करनी है. हमें आजकल आदत पड़ गई है ये कहने की, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ, आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ, आई एम इरिटेटेड बिकॉज ऑफ, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ. हर चीज़ कुछ बाहर पे डिपेंडेंट है. तो हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल, अपने मन का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों को दिया? हमारे मन का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों के पास है? कितने लोगों के पास है? ऐसी जीवन जहां सिचुएशंस एंड लोग मेरे मन की स्थिति पर असर करने लग जाएं, देन आई कैन नॉट बी हैप्पी ऑलवेज. क्योंकि सिचुएशन हमेशा मेरे अनुसार नहीं होगी, और अगर सिचुएशन डिस्टर्ब्ड हुई और मैं भी डिस्टर्ब हुई, तो आई कैन नॉट बी हैप्पी ऑलवेज. एक मिनट के लिए फिर से आंख बंद करें और लास्ट वो सीन को सामने लेकर आए जब आपने लास्ट गुस्सा किया था. पूरा सीन देखना है अच्छे से, क्या हुआ था उस टाइम, उन्होंने क्या कहा था, और फिर मैंने कैसे रिएक्ट किया था, परिस्थिति, उनका व्यवहार, मेरा रिएक्शन. परिस्थिति सेम, उनका व्यवहार वैसा ही. अब अटेंशन अपने ऊपर लेकर आए और देखें एक अलग तरह का व्यवहार, रिस्पॉन्डिंग इन अ डिफरेंट वे. सत्योगी व्यवहार, मैं सत्योगी आत्मा हूं, मेरे संस्कार सत्योगी संस्कार है. उनका व्यवहार उनका कर्म, मेरा रिस्पॉन्स सत्योगी रिस्पॉन्स, सत्योगी व्यवहार. एंड सी योर सेल्फ डूइंग दैट, अपने आप को देखे वैसा करते हुए. क्योंकि अगर आप अपने आप को देखते हैं अभी वैसा करते हुए, तो आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे जैसा अभी आप देखेंगे अपने आप को करते हुए. और अगर हमने नहीं चेंज किया इसको, तो जैसा हम पिछली बार रिएक्ट किया था वैसा ही हम हर बार करते जाएंगे.